हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा नाम है संजीव मल्होत्रा और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है हमारी जो हमारी पिछली दो वीडियोस निकल चुकी है उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। पहले में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं। दूसरे में क्या पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल्स ली थी ऑक्सीडेशन नंबर की। और अब जो थर्ड वाला किया हमने, मैंने कहा था कि हम थर्ड वीडियो में क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किनका, जो एक्सेप्शनल केसेस हो, ठीक है, जो एक्सेप्शनल हमारे कंपाउंड्स आएंगे उनकी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और उसमें हमारे सबसे पहले एग्जांपल आती है हमारे पास H2SO5, जिसे कैरोज एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सो मोनोसल्फोरिक एसिड, ठीक है, इसको इस तरीके से बोलेंगे। अब चलो इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर का निकालते हैं। आप निकालोगे पर आप गलत निकालोगे, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं आएगा जो मैं निकालने लगा हूं, क्योंकि ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। किसको, इसको एक्स मान के, क्योंकि देखो एक्स मानने वाला ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं कि सभी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल रहे हैं, पर एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है वो अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो स्ट्रक्चर से आप अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलो हम वैसे कन्वेंशनल मेथड से निकाल के देखते हैं, पर वो मेथड गलत होगा, ठीक है। जैसे इसको प्लस वन, इसका प्लस वन होता है, ऑक्सीजन का माइनस टू, ऐसे मानते हैं, ठीक है, ऐसे ही मानते हैं, तो क्या आएगा, 2 × +1 + x + 5 × −2 = 0। ये जो मैं लिख रहा हूं ये रूल्स के मुताबिक लिख रहा हूं, जो हमने पहले पढ़े हैं उसकी वीडियोस आप देख लीजिए, दो वीडियोस बन चुकी है, उसका मैं लिंक आपको आई बटन पर देने वाला हूं, वही पहले आप देखिए दो वीडियोस, फिर आप ये वीडियो देखिए थर्ड वीडियो। अगर आप सीधा डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे, ये लेक्चर देखोगे, तो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। चलो अब ये निकालते हैं, वैसे गलत ही आएगा क्योंकि ऐसे नहीं होगा, तो क्या आएगा, 2 + x - 10 = 0। 2 अब ये क्या आ गया, x इधर आ गया, 10 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, +8, रॉन्ग, ऐसा नहीं आएगा, +8 ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। होगा क्या, होगा क्या, इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, किस किस पे, स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ और कह रही है, स्ट्रक्चर कुछ और बोलेगी, वो स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरीके से, H2S H2S 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर अगर पता होगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। H2 ठीक है, दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 5। हमें पता है कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना था, -2। पर इसमें मेन चीज क्या थी, दो ऐसे ऑक्सीजन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या है वो वेरी करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कुछ चेंज होगा, ठीक है। चलो ये मैं डाले लगाओ ये वाला, क्योंकि इसका क्या है, +8, ये ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे, जैसे अभी हम करने वाले हैं, ये आप सीधी स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। अब हाइड्रोजन का +1, निकालना क्या हमने, सल्फर का हाइड्रोजन, ये भी +1, बड़ा सा लिख देते हैं, हाइड्रोजन का क्या, +1, ये भी क्या, +1। बाकी ऑक्सीजन का क्या बताया हूं मैंने, -2, ये भी -2, ये भी -2, बस ये परोक्साइड, दो ऑक्सीजन ऐसे थे जो परोक्साइड ऑक्सीजन थे। इसका क्या आएगा, मैंने पहले बताया रूल्स के मुताबिक -1, मैंने रूल्स बताए थे कि बाकी सारे ऑक्सीजन
माइनस टू पर जब परोक्साइड की बात आएगी तो वो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा। अब चेंज हो गया सारा। अब देख लो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। सल्फर निकालना है। अब ऑक्सीजन कौन, कितने ऑक्सीजन है जिनकी ऑक्सीजन स्टेट हमारी माइनस टू है, वन टू थ्री, मतलब हमारे पास तीन ऐसे ऑक्सीजन जिनकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू है। माइनस वन कितनों की है, दो की, एक ये और ये एक, दो, ये वाले दो ऑक्सीजन बीच में पंगा डाल रहे हैं सारा। ऑक्सीजन टू यहां पे क्या गया, माइनस वन। अब ये स्ट्रक्चर बनी। अब निकालो सल्फर, हाइड्रोजन का पता नहीं, प्लस वन, ये स्ट्रक्चर आएगी फिर आ जाएगा आपको, टू इंटू प्लस वन, हाइड्रोजन की कहानी खत्म। सल्फर एक है, वन इंटू एक्स, एक्स ही हो गया, प्लस थ्री इंटू टू, माइनस टू, प्लस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, टू टू प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। टू, अब यहां पे एक्स लिख लो, एक्स आ गया इधर के चला गया, सिक्स प्लस टू माइनस टू, टू टू कैंसल, एक्स क्या आ गया, प्लस सिक्स। एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट नहीं आई, क्या आएगी, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्यों आई, क्योंकि वेरी कर गई स्ट्रक्चर, जैसे हमने बनाई स्ट्रक्चर बनाई वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो गया। वैसे क्या आ रहा था, प्लस एट आ रहा था जो हम कन्वेंशनल मेथड से कर रहे थे, पर एक्चुअल में क्या है, प्लस सिक्स। वो कहां से पता चला, जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, चलिए अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज CrO5, ये भी ध्यान से समझ रहा, क्रोमियम। अब निकालिए ट्रांस, अपना जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, माइनस टू, ऐसे आएगा कुछ, ऐसे लिख लो CrO5, इसको हम x मानेंगे, ऑक्सीजन को माइनस टू मानेंगे, तो क्या आएगा, x माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस टेन, ये आया, क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस टेन। ये ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका क्रोमियम का प्लस टेन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आने वाला। अगर क्रोमियम की बात करें ना, तो उसके ऑटोमो शेल में क्या आता है, 3D5 4S1। अब मैक्सिमम कितने निकाल सकते हो, 6 ही निकाल सकते हो। अगर हमने ऑटोमो शेल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हो तो कितने निकलेंगे, 5 डी में से निकलेंगे, और एक ये वाला निकलेगा, एक एक ये निकलेगा 4s में से, 3d5d इसमें से 5 निकल जाएंगे, कितना आएगा, प्लस 6 ही आएगी, प्लस 6 आएगी, प्लस 10 कैसे होगी, प्लस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आने वाली। अब वो एक तो ये रीजन हो गया क्यों नहीं आएगी, आपको स्ट्रक्चर देख के पता चलेगी। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, वो कैसे होगी, जैसे हम जहां पर स्ट्रक्चर है हमारे पास CrO इस तरीके से बनेगी। अब इसमें क्या है, यहां पे क्या आया, एक CR और चार ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, और इसमें देखो इसमें क्या होगा, ये जो चार, वैसे में ऑक्सीजन का पता कितना होता है, कितना होता है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस टू, पर यहां पे चार ऐसी ऑक्सीजन है, यहां पे परोक्साइड बॉन्ड बन रही है, ये परोक्साइड बॉन्ड बन रही है यहां पे, और उसका उस ऑक्सीजन का माइनस टू नहीं होता, जिस जो परोक्साइड होती है उनका माइनस टू नहीं होता, माइनस वन होता है। और यहां पे ऑक्सीजन, चार ऐसी ऑक्सीजन है जिनका माइनस वन है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और इसका तो माइनस टू ही है। अब चेंज हो गया, अब क्रोमियम का ले लो, क्रोमियम क्या है, एक्स ही माना जैसे यहां पर माना। एक्चुअली फिर क्या हुआ, अगर इसको देखें ऐसे कि हमारे पास क्या है, चार ऑक्सीजन ऐसी है, मान लो चार ऑक्सीजन ऐसी है जिसका माइनस वन है, और एक ऐसी है जिसका माइनस टू है, इसको एक्स मान लो। ठीक है, फिर क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस फोर माइनस फोर, ऐसे कर दो, माइनस फोर सीधा ही लिख लो,
और प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 4 प्लस माइनस 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 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 उधर जाके क्या आ गया, उधर जाके क्या हो गया इसका, x का क्या हो गया प्लस 6, x का क्या आ गया प्लस 6 आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास चार ऐसी ऑक्सीजन थी जिनका जिनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1 था। याद है हम क्या ले रहे थे, सभी ऑक्सीजन का माइनस 2 ले रहे थे, पर जब मैं स्ट्रक्चर खोल के देखी तो जैसे खोली स्ट्रक्चर तो इस तरीके की नजर आई स्ट्रक्चर, जिसमें चार ऐसी ऑक्सीजन थी जिनमें परोक्साइड बॉन्ड थी, परोक्साइड बॉन्ड जहां पे परोक्साइड होगी वहां पे मैंने रूल्स में बताया कि वहां पे चार्ज क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा माइनस 1, और जिसमें चार ऐसी ऑक्सीजन थी जहां पे माइनस 1 था और एक ऐसी थी जहां पे माइनस 2 था। तो हमने क्या किया, उनको इस तरीके से लिखा और हमारा प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 आई, और यहां से भी हमें प्रूव हो गया कि हम 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी CrO5 की एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसमें हम निकालेंगे क्लोरीन का, पर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। चलो इसका देखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आ गया इसका, कैल्शियम क्या होता है प्लस 2, 2 ऑक्सीजन का माइनस 2, इसका 2x आ गया, मतलब ऐसे करो प्लस 2 इंटू 1 इंटू प्लस 2, क्योंकि इसका क्या होता है प्लस 2 होता है ना कैल्शियम का, हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया 2 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, सॉरी यहां पे क्या आएगा x आएगा, यहां पे 2 इंटू एक्स, यह भी निकालना हमने 2x, यहां पे क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 0, ये कट गया हमारा, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 बाय 2, मतलब 0 आ गया। पर ये तो चलो आ गया ठीक है, पर एक्चुअल में पता कैसे है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ऐसे नहीं करना हमने, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, कैसे है फिर, एक्चुअल में क्लोरीन इस तरीके से लगा है OCl नेगेटिव, ऐसे Cl नेगेटिव ये है। अब इसमें दो क्लोरीन ऐसे हैं, अब दोनों का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, दोनों का एवरेज, ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी कर रहे हैं, अलग अलग है, ऐसे नहीं निकालना आपने, आपने इसको खोल देना इस तरीके से लिखना जैसे हमने पिछली एग्जांपल की है। तो चलिए फिर कैसे करना है, इसमें क्या है, पहले इसका इंडिविजुअल निकालो, इसका इंडिविजुअल निकालो, इस क्लोरीन का अकेला देखो तो इसका क्या आएगा, इस क्लोरीन का क्या है, इस अकेले वाले क्लोरीन का क्या है, दैट इज द माइनस 1 जो इसका चार्ज होता है। ठीक है, अब इसका क्या, OCl का, OCl माइनस 1 ऐसे ही है। ठीक है, अब ये माइनस 1 इसका पूरे ऊपर चार्ज माइनस 1 ऊपर है सारे पूरे के पूरे OCl के ऊपर चार्ज। अब इसका देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं OCl माइनस 1, मैं ऐसे लिख दूं, इसको मानूंगा क्योंकि इसका निकालना है, इसको मानूंगा x, तो ऑक्सीजन का क्या होता है माइनस 2, ये मैं पता है, तो क्या आएगा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 1। ये ध्यान से समझो, मैंने क्या किया इसको खोल दिया, इसका मुझे पता है Cl का अकेला, जो दो Cl है, दो Cl ये अलग है, ये अलग है, इस Cl का मुझे पता माइनस 1 है, कहानी खत्म, ये OCl में से निकालना है इस Cl का, पर इस OCl में पूरे के ऊपर माइनस 1 चार्ज है, माइनस माइनस मतलब माइनस 1 चार्ज। फिर कैसे लिखेंगे, इस OCl को उठा लिया हमने, यहां से ले लिया, ऑक्सीजन का मुझे पता है माइनस 2, क्लोरीन का मैंने निकालना है x, ये क्या आ गया माइनस 1, होल पे पूरे पे माइनस 1 है, ये पूरे पे माइनस 1 है, ये वाला पूरे पे माइनस 1 है, ये वाला ये पूरे पे माइनस 1 है, तभी मैंने यहां पे क्या लिखा माइनस 1। ठीक है, फिर क्या लिखा 2 माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या आ गया माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या आया हमारा x माइनस 1 प्लस 2 क्या आ गया प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई, इस क्लोरीन की वैल्यू क्या आ गई,
इस क्लोरीन की वैल्यू क्या है, प्लस वन, इस क्लोरीन की माइनस वन। हमारे पास दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, एक की आ गई प्लस वन, एक की आ गई माइनस वन, बराबर हो गया चार्ज। चलो निकालो इसका भी, वैसे निकालो क्या आएगा इसका, जीरो है। इसका भी चार्ज क्या आएगा, प्लस वन, ये माइनस वन, ये अगर दोनों को एवरेज लेंगे, एवरेज लेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। मतलब वन, वन इंटू प्लस वन प्लस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो ही है, कट गया। वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो ही है। तो एवरेज जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या था, जीरो। वो क्या आया, जीरो। कैसे आया वो, इस तरीके से आया। अगर आप फटाफट से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, पर ऐसे नहीं है, इसको खोल के फिर इस तरीके से जाके आपने अकेले क्लोरीन का, फिर इस क्लोरीन का निकालना है, दोनों का निकाल के दोनों की एवरेज ले लेनी है। एवरेज क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, थोड़ी सी टिपिकल नजर आती है, H2S2O8। ये भी हम वैसे करेंगे, गलत करोगे पहले फिर बाद में सही करोगे, एक्चुअल हम स्ट्रक्चर देख के करेंगे, ये स्ट्रक्चर है उसकी। चलो जो हम जैसे हम अपने कन्वेंशनल मेथड से करते हैं वैसे करके देखो, ये क्या आ गया, प्लस वन प्लस वन। अब फटाफट से लिख रहा हूं क्योंकि अब हमें चीजें पता चल चुकी है। सल्फर का x है 2x प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, माइनस टू ऑक्सीजन का पर होगा नहीं। चलो अभी इसके मुताबिक हम करके देखते हैं, 8 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया, 2 प्लस 2x 16 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 16 उधर चला गया, माइनस 2 क्या आ गया, 14 2x x आ गया हमारा प्लस 7, हमारा क्या आया, प्लस 7 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, किसका, सल्फर का। ठीक है, पर ये भी ऐसे नहीं होगा, कुछ चेंज होगा क्या, जब हमने स्ट्रक्चर फिर खोली तो ये चीज बनी, मिटाने लगा ये चीज, देख लो एक बार। अब जब मैंने देखा तो फिर क्या हुआ, ये तो चलो ठीक है, हमारे पास x सल्फर, सल्फर हमारे पास है, ये x x, हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, प्लस वन, ठीक है, हाइड्रोजन का पता प्लस वन है, ऑक्सीजन का माइनस टू, पर कौन सी ऑक्सीजन, फिर भी इसमें दो ऐसी ऑक्सीजन होगी जिनका माइनस वन होगा, कौन कौन सी दो, पहले वो देख लो, ये माइनस वन, ये माइनस वन, सिर्फ ये, बाकी सभी ऑक्सीजन जो है उनका क्या होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, पर यहां पे हम आठ ऑक्सीजन का माइनस टू ले रहे थे, पर एक्चुअल में क्या है, सिक्स ऐसी ऑक्सीजन जिनका माइनस टू है, दो ऐसी है जिनका माइनस वन है, क्योंकि इसमें परोक्साइड बॉन्ड बन रही है। फिर चलो बना लो, क्या आया, दो ऐसे हमारे पास, दो हाइड्रोजन है, दो सल्फर है, और ऐसी ऑक्सीजन, छह ऐसी ऑक्सीजन है जिनमें, ऐसे लिख लो, टू इंटू थ्री, ऐसे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है, और दो ऐसी ऑक्सीजन है जिनका माइनस वन। ये कहानी वैसे सिंप्लीफाई कर दी मैंने, ये हम एक्स मान लेते हैं, हाइड्रोजन का प्लस वन मानते हैं, हो गया सारा। करके देखो, टू इंटू प्लस वन, ठीक है जी, टू इंटू एक्स, ये भी ठीक है, सिक्स सिक्स, थ्री टू सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, ऐसे लिख दो, सिक्स इंटू माइनस टू, बाद में करेंगे इसको, प्लस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कहानी यहां पे खत्म हुई, करो आप सॉल्व इसे, सिंप्लीफाई करो, टू प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कट कट गया यहां पे, अब क्या आ गया, टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, एक्चुअल में क्या आई ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस सिक्स आया, क्या आया, प्लस सिक्स। ठीक है, ये कैसे पता चला, जब हमें स्ट्रक्चर पता होगी, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से पता चलता है। ठीक है, हमने जितने भी पहले केसेस किए सभी में उन्हें स्ट्रक्चर, वो एक्सेप्शनल केसेस नहीं थे, अब हम तभी एक्सेप्शनल केसेस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए, अगर स्ट्रक्चर आएंगे तो आप, हम कह सकते हैं बिल्कुल प्रिसाइजली आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, जो मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ये आया। ठीक है, अब एक और देखो जिसमें हम अक्सर गलती भी करते हैं,
नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन का निकालो, दोनों नाइट्रोजन, इसको भी एक्स मान लो, पर वो रॉन्ग होगा जो अपने कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं हम, ये भी एक्स ये भी एक्स, हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन का माइनस टू, नाइट्रोजन कितने हैं, दो है, दो, टू एक्स ले लो, हाइड्रोजन फोर इंटू प्लस वन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स ये चला गया इधर इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, टू टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। एक्चुअल में क्या आया, एक्चुअल में क्या आया, नाइट्रोजन का क्या आया प्लस वन, नाइट्रोजन का क्या आया हमारा प्लस वन, पर एक्चुअल में प्लस वन नहीं होने वाला, चेंज होगा। कैसे, हमें पता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना, एक्चुअल में ऐसे है, इन दोनों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, नाइट्रोजन का, ऐसे नहीं निकालना इसका, ये अमोनिया अलग से लेंगे NH4+, यहां पे कुछ और आएगा, यहां पे कुछ और आएगा, वेरी करेगा, ये क्या है प्लस, मतलब पूरे पे चार्ज है, इसको क्या मानो, नाइट्रोजन को X, 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू, अब इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का अपना अपना कितना होता है, अपना प्लस वन, अपना प्लस वन, 4 इंटू प्लस वन इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे पे चार्ज है, X प्लस 4 इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू उधर चला गया, उधर चला गया क्या आ गया, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, इस नाइट्रोजन का कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, दैट इज द माइनस 3 आया इसका, अभी ऐसे नहीं निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, यहां पे क्या आ रहा था, नाइट्रोजन का प्लस वन आ रहा है, पर यहां पे दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग आएगा, यहां पे पहली नाइट्रोजन का क्या आया, इसका अमोनिया वाली का माइनस 3, अब इसको मिटाऊं, इसका देख लो NO3 नाइट्रेट, अब ये पूरे पे चार्ज है, माइनस वन पूरे पे चार्ज है, इसको क्या लूंगा X, ऑक्सीजन का अपना कितना होता है, अपना कितना है माइनस टू, पूरे का कितना चार्ज है माइनस वन, इसको क्या लूंगा X, 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सिक्स प्लस फाइव, तो ये क्या है हमारा प्लस फाइव, ठीक है, और यहां पे हमने क्या निकाला था, नाइट्रोजन का अलग आया था, पर हमने क्या किया, ये अलग अलग अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम अलग किया, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन को अलग किया, और इधर भी नाइट्रोजन का निकाला, इधर भी नाइट्रोजन का, दोनों नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दे गए, दोनों का अलग अलग था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप कि आपको पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ऑलरेडी दो वीडियोस पहले और एक वीडियो ये, तीन वीडियोस अपनी कंप्लीट करनी है, और ये कॉन्सेप्ट अभी तक अब आपको आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो आप मुझे आगे हम देखते रहिए, अगले अपने नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगे उसमें आप रेडॉक्स रिएक्शन को अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, हम दोबारा अगले लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाजत दीजिए, पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू।